محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. डे 5 लेक्चर नंबर 5. अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेक्चर है हमारा. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने नेम का लोगो जो है वो क्रोम से लेना है और किस तरह से इसको आपने गैलरी में सेव करना है, और अगर आप उसको अपने चैनल का लोगो बनाना चाहें तो वो आपने किस तरह से करना है. अच्छा देखिए, मैंने जो है अपना एक लोगो जो यूज़ कर रही थी मैं, एक तो वो है ना जो कि मेरे चैनल की प्रोफाइल पर लगा हुआ है, प्रोफाइल फ़ोटो पे, वो तो मैंने खुद पिक्सल ऐप से बनाया है. एक वो लोगो जो कि मैं यूज़ कर रही थी, जो कि मैंने लेक्चर नंबर आई थिंक 4 में लगाया हुआ भी है ऊपर, पोस्ट बनाने के जब तरीका मैंने बताया था कि उसके ऊपर लोगो भी मैंने लगाया था, वो मैंने कैसे बनाया है. उसमें मेरा कोई इतना खास टाइम नहीं लगा, बहुत ही कम टाइम में मैंने उसको जस्ट क्रॉप किया. क्रॉप कैसे किया कि मैंने उसको यूट्यूब सॉरी क्रोम से लिया और उसके ऊपर पिक्सल ऐप में शेप लगा के अपना जो चैनल का नेम है वो टेक्स्ट कर दिया जस्ट. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है. सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन करके अपने नेम का लोगो सर्च करना है. अब जैसे कि मैं सर्च कर रही हूँ जोया जबीन का, अगर मैं लोगो लूँ तो वो जेड जे का लोगो होगा. मैंने सर्च करना है जेड जे लोगो डिज़ाइन कुछ ऐसे. तो ये देखें, अब मैंने जेड जे लोगो सर्च किया तो ये देखें जेड जे लोगो डिज़ाइन आ गया. अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो देखें ये सारे लोगो डिज़ाइन खुल गए. मैंने जो डाउनलोड किया हुआ गैलरी में वो ये वाला लोगो है ये, ठीक है. और आप कोई भी और कर सकते हैं, अपने नेम का लोगो आप इजीली सर्च करें गूगल क्रोम से और उसको फिर डाउनलोड कर लें. इमेजेस पे चलते हैं और कोई और अच्छा सा लोगो डाउनलोड करते हैं. अब देखें, मैंने जो है ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लिया है. इसको मैं डाउनलोड कैसे करूँगी, इसको मैंने 2 से 3 सेकंड तक इस पिक्चर को क्लिक करना है. तो ये देखें सारे ऑप्शन आ गए हैं. मैंने अब डाउनलोड इमेज पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है. डाउनलोड अगेन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गैलरी में है. अब मैंने गुड मुस्लिमा का लेना है लोगो, तो मैं क्या करूँगी, GM सर्च नहीं करूँगी क्योंकि GM से कोई वो उस तरह की अच्छी पिक्चर नहीं आती. बिल्कुल ऐसे जैसे जेड जे लिखा हुआ है इस तरह वो GM भी आ जाता है, कोई उसमें जो है इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं आती. सो मैं अब क्या करूँगी, गुड मुस्लिमा सर्च करूँगी, गुड मुस्लिमा लोगो डिज़ाइन, ठीक है, गुड मुस्लिमा लोगो. अब ये है, ये मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है. अब आपने इन जो लोगो ये जो आपके सामने आ रहे हैं इनमें से मेरे चैनल का लोगो जो देखा होगा, जो कि मैं वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैंने इधर से ही लिया है. मैं भी आपको दिखा देती हूँ. उस पर जस्ट मैंने शेप लगा के तो नेम लिखा था ये वाला लोगो है. इसको पहले हमें सेव करना है गैलरी में, कॉपी नहीं करना, सेव करना है, डाउनलोड इमेज करना है. डाउनलोड ये हो गया, इसको मैं अगेन डाउनलोड कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास है. ये मैं आपको तरीका बताने के लिए कर रही हूँ. अब हमने क्या करना है, पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है और इस पिक्चर को यूज इमेज फॉर्मेट गैलरी करके ओपन कर लेना है कुछ ऐसे. अब मैंने ये ओपन कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगी क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इसलिए. अब मैंने क्या करना है, इसको टिक कर देना है और टेक्स्ट को अब मैं इधर से रिमूव कर दूँगी. सो जो ये नीचे वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पे ये वाले ऑप्शन ओपन होते हैं ड्रॉ शेप्स, इसमें मैंने शेप्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और इसको ऐसे इस तरह से क्रॉप करके इसको फुली कवर कर देना है. कवर करने के बाद टिक करके मैंने इसको गैलरी में सेव करना है. सेव एज अ प्रोजेक्ट नहीं करना क्योंकि हमें बाद में एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. करने के बाद मैंने बिल्कुल जो है ऐसे कर लिया है. मैंने अभी अभी पिक्सल ऐप खोला हो, कोई पोस्ट एडिट नहीं की, सिंपली जैसे मैंने अगेन सारा कुछ रिमूव करके पिक्सल ऐप को ओपन करना है. यूज़ इमेज फ्रॉम अ गैलरी को क्लिक करके वो पिक्चर निकाल लेनी है जिसके ऊपर अभी हमने शेप लगाई थी. ये वाली पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी. सो चलिए अभी हम पिक्सल ऐप की तरफ चलते हैं. पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद यूज इमेज फ्रॉम अ गैलरी को क्लिक करने के बाद वही पिक्चर जिस पे हमने शेप लगाई थी वो हमने इस जगह पे ले लेनी है एज अ बैकग्राउंड. अब इसको मैंने कोई क्रॉप क्रॉप नहीं करना है, इसको मैं जैसे नॉर्मली टिक कर दूँगी और न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके मैंने इस पे अपना जो है नेम लिख लेना है, गुड मुस्लिमा, अपने चैनल का नेम.
तो ये देखें, अब हमने जैसे नॉर्मल टेक्स्ट की सेटिंग होती है, ये मैंने जिस जिस लेक्चर में पोस्ट बनाना सिखाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि आपने पहले फॉन्ट सेलेक्ट करना है, फिर कलर सेलेक्ट करना है। इसमें आपको टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, लोगो जो है ना रेडी। अब हमने इसको सेव करना है और ये मैं हमारे पास नॉर्मली गैलरी में आ जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। ये देखें, आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।